Hello everyone and welcome back to Insomniac Studios. My name is Jatin and this is lecture 3 of our music production course. आज इस लेक्चर में हम बात करेंगे म्यूजिक को आप कैसे क्रिएट कर सकते हो, आपको क्या डिजिटली आपको क्या चीज किस चीज की रिक्वायरमेंट होगी। लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले मैंने यहाँ पे ऐड किया है एक लर्निंग सेक्शन। लर्निंग सेक्शन रिलेटेड है मेरी लास्ट वीडियो से। सो लास्ट वीडियो जो मेरी थी, लास्ट जो लेक्चर था, लेक्चर नंबर 2, उसमें हमने बात करी थी इक्विपमेंट्स के बारे में। अगर आपको म्यूजिक प्रोडक्शन स्टार्ट करना है, म्यूजिक प्रोडक्शन सीखनी है, म्यूजिक प्रोड्यूसर बनना है, सो आपको किन किन चीजों की रिक्वायरमेंट होगी, क्या क्या इक्विपमेंट्स की आपको नीड होगी। सो उस वीडियो पे कुछ कमेंट्स मैंने ऐसे देखे थे कि आपने स्टार्टिंग में 4-5 लाख का जो है वो सामान बता दिया है, ये है, गलत है, ये नेगेटिव कमेंट बेसिकली। सो एक आई थिंक मेरे को आयुष ने इंस्टाग्राम पे स्क्रीनशॉट भी भेजा था एंड वो बोल रहे थे कि समझे नहीं। अब बात करते हैं पर्सनली मेरे को क्या लगता है। सो ये जो मैंने वीडियो बनाई थी, जो सेकंड लेक्चर था, मेरे को बिल्कुल बनाने का मन नहीं था, लेकिन दिस इज द म्यूजिक प्रोडक्शन कोर्स। यहाँ पे मैंने आपको पहले बोला था सारी चीजें आपको स्ट्रक्चर्ड वे में मिलेंगी। सो उस पॉइंट ऑफ व्यू से वो वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट था, बिकॉज स्ट्रक्चर्ड वे में आप चलोगे देन आपको उस चीज की रिक्वायरमेंट, उस चीज की नॉलेज पहले ही होनी चाहिए। दैट इज द रीजन उस टॉपिक को मैंने इस कोर्स में इंक्लूड किया था। नाउ कमिंग स्ट्रेट टू द पॉइंट कि क्या एग्जैक्टली लर्निंग है। सो आपको रहना है पेशेंस, आपको थोड़ा सा पेशेंस रहना होगा, थोड़ा सा पेशेंस दिखाना होगा। अब एग्जैक्टली क्या है, तो देखो मुझे नेगेटिव कमेंट से फर्क नहीं पड़ता है, 1, 2, 3, 4, 10, 5 जितने भी हो मुझे फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन अगर आप एक रेगुलर व्यूअर हो या फिर अगर आप इंटरेस्टेड हो इस कोर्स में आगे सीखने में, तो बहुत सारी चीजें ऐसी होंगी जो आपको ऑलरेडी पता होंगी। बट अगर आप मेरे पर्सपेक्टिव से देखो, सो ये कोर्स है, हमें स्टार्टिंग से चीजें लेके चलनी है, बहुत सारी चीजें आपको ऑलरेडी पता होंगी। मैं ये नहीं कह रहा कुछ चीजें, बहुत सारी चीजें होंगी जो आपको ऑलरेडी पता होंगी, लेकिन एट द सेम टाइम बहुत सारी चीजें ऐसी भी होंगी, इनफैक्ट उससे ज्यादा चीजें ऐसी होंगी जो आपको नहीं पता होंगी। सो अगर आप थोड़ा सा पेशेंस दिखाते हो, थोड़ा सा पेशेंस रखते हो आप, देन यहाँ पे डेफिनेटली आप कुछ नया जरूर सीखोगे। ऑलराइट, सो अब स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। फर्स्ट जो लेक्चर था उसमें हमने बात करी थी म्यूजिक प्रोडक्शन वर्ड की, देन उसके बाद क्या क्या इक्विपमेंट्स की हमें नीड होगी, हमने वो बात कर ली सेकंड लेक्चर में। नाउ दिस इज द थर्ड लेक्चर, यहाँ पे अब हमारे पास इक्विपमेंट्स आ गई हैं, या फिर हम बोले तो एक हमारे पास लैपटॉप आ गया है। अब हमें म्यूजिक प्रोड्यूसर वर्ड का मतलब भी पता चल गया है, म्यूजिक प्रोडक्शन वर्ड का भी पता चल गया है मीनिंग। अब एग्जैक्टली आगे क्या करना है, तो देखो अगर आपके पास एक लैपटॉप है, सो आपके लैपटॉप में ऐसी कुछ भी चीज नहीं है जिसपे आप म्यूजिक को क्रिएट कर पाओ। आपके पास बहुत सारे सॉफ्टवेयर होंगे आपके लैपटॉप में, फॉर एग्जाम्पल विंडोज मीडिया प्लेयर, वीएलसी मीडिया प्लेयर, अगर आपको ऑफिस का कुछ काम करना है सो एमएस ऑफिस, बहुत सारे आपके पास सॉफ्टवेयर होंगे। लेकिन अगर आपको म्यूजिक बनाना है सो प्री इंस्टॉल्ड कोई भी सॉफ्टवेयर नहीं आता है, वो आपको अलग से डाउनलोड करना होगा। बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स हैं जिसपे हम म्यूजिक बनाते हैं, वो सॉफ्टवेयर ही कहलाते हैं, लेकिन उनकी एक कैटेगरी है जिसको बोलते हैं डिजिटल ऑडियो वर्कस्टेशन एंड इसकी शॉर्ट फॉर्म है DAW। आज के टाइम में मार्केट में बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स अवेलेबल हैं जिसपे आप म्यूजिक को क्रिएट कर सकते हो, जिसपे आप म्यूजिक को प्रोड्यूस कर सकते हो, या फिर बोले तो बहुत सारे टाइप के DAWs अवेलेबल हैं आज के टाइम में। उनमें से अगर मैं कुछ के नाम लूं, सो एबल्टन, FL स्टूडियो, क्यूबेस, लॉजिक, रीपर, प्रो टूल्स, काफी सारे अवेलेबल हैं। लेकिन इन सब का नाम तो आपने शायद सुन रखा होगा, लेकिन एक क्वेश्चन हमेशा 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 सबके मन में रहता है, विच इज द बेस्ट DAW। नाउ इस चीज को मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ बहुत ही इजी वे में, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में। बहुत सारे डॉज हैं, लेकिन सबका काम क्या है, सब पे म्यूजिक बनाना है, ठीक है। अब म्यूजिक बनाने के लिए ना हमें तीन चीजें चाहिए होती हैं। फर्स्ट, एक पियानो रोल आप बोल सकते हो, जिस पे हम अपने इंस्ट्रूमेंट या फिर कॉर्ड्स या फिर जो मिडी फाइल्स होती हैं, मेलेडी जो होती है उसको क्रिएट करते हैं, वो आपको सारे DAWs में मिलेगा। ऐसा नहीं है कि कुछ DAW है उसमें पियानो रोल है ही नहीं। पियानो रोल होगा, हो सकता है उसका नाम चेंज हो, किसी और नाम से हो, लेकिन पियानो का एक सेक्शन जरूर होगा जहां पे आप अपने इंस्ट्रूमेंट्स की मेलेडी को क्रिएट कर सकते हो। इन द सेम वे सेकंड सेक्शन आता है प्लेलिस्ट, इसका नाम चेंज हो सकता है DAW to DAW, लेकिन बेसिकली वहां पे हम क्या करेंगे, अरेंजमेंट करेंगे। अब याद करो फर्स्ट लेक्चर में हमने बात करी थी
म्यूजिक को क्रिएट करना इज बेसिकली अरेंजिंग। हम सिर्फ अरेंज करते हैं चीजों को। सो अरेंज हम जो करेंगे वो सेक्शन होता है, उसको बोलते हैं प्लेलिस्ट। अगेन मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर डिफरेंट DAW है सो वहां पे उसका नाम चेंज हो सकता है, लेकिन उस सेक्शन का जो कॉन्सेप्ट होगा, सारे इंस्ट्रूमेंट्स या फिर सारे सैंपल्स, सारे साउंड्स को आप अरेंज करोगे, वो सिमिलर ही होगा सारे DAWs में। नाउ अगर बात करें थर्ड सेक्शन की, तो वो है मिक्सर। आपको सारे DAWs में मिक्सर जरूर मिलेगा, जहां पे आप मिक्सिंग कर सकते हो एंड मास्टरिंग कर सकते हो। नाउ ये तीन चीजें हैं सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है म्यूजिक को क्रिएट करने के लिए, ये आपको किसी भी DAW में मिलेंगी। एंड अगर कोई ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसमें इनमें से, इन तीन चीजों में से, इन तीन सेक्शंस में से अगर नहीं है कुछ, तो आप उसको DAW कंसिडर नहीं कर सकते हो। अगर आपके माइंड में कुछ ऐसा है सो कमेंट सेक्शन में मुझे बताना, देखते हैं आपका दिमाग कितना चलता है। नाउ यहाँ पे आपको एक चीज तो क्लियर हो गई होगी, जितने भी DAWs हैं उसका जो कॉन्सेप्ट है म्यूजिक को प्रोड्यूस करने का, वो एग्जैक्टली सेम है। तो इन द सेम वे आप किसी भी DAW को चूज कर सकते हो, आप ट्राई करके देखो, अगर आपको उसका वर्कफ्लो अच्छा लग रहा है देन उसके साथ आप स्टिक कर सकते हो, उसी पे आप काम कर सकते हो। इन दिस केस, इन दिस कोर्स, वी आर यूजिंग FL स्टूडियो। नाउ अब हमारा DAW भी सिलेक्ट हो चुका है, एग्जैक्टली कौन सा सॉफ्टवेयर हमें यूज करना है म्यूजिक बनाने के लिए वो फाइनल हो चुका है, विच इज FL स्टूडियो। आपके केस में कोई दूसरा भी DAW हो सकता है। अब फर्स्ट अगर आप लेक्चर को याद करो, सो मैंने आपको एक चीज बताई थी, अगर आप एक म्यूजिक प्रोड्यूसर हो तो आपको क्या चीज की रिक्वायरमेंट होगी, किस चीज से आप म्यूजिक को बनाओगे, कमेंट सेक्शन में आप मेरे को बताओ एग्जैक्टली वो क्या चीज थी। एक मैंने वर्ड यूज करा था, कमेंट हो गया आपका। अब चेक करते हैं आपका आंसर क्या है। सो यहाँ पे जो आंसर है वो है साउंड। एक म्यूजिक प्रोड्यूसर के पास अगर साउंड ही नहीं होंगी देन वो म्यूजिक क्रिएट ही कैसे करेगा। याद करो फर्स्ट लेक्चर में इसके बारे में हमने डिटेल में डिस्कशन किया था। फॉर एग्जाम्पल मैं अपनी बात करता हूँ, सो मेरे को कोई भी इंस्ट्रूमेंट प्ले करना नहीं आता, ना ही मुझे कुछ बीट बॉक्सिंग करनी आती है कि मैं मुंह से कुछ बीट बॉक्स करके बीट्स को बना पाऊं, रिकॉर्ड कर पाऊं, ना ही मैं सिंगर हूं। मेरे पास ऐसा कुछ भी नहीं है मेरी बॉडी में जिससे मैं म्यूजिक को क्रिएट करूं या फिर साउंड को जनरेट करूं। अब आप कहोगे ऐसे ऐसे अगर मैं टेबल पर टैप करूंगा सो साउंड जनरेट हो रही है, वो चीज एक डिफरेंट है, लेकिन अगर आप देखो तो ऐसा कुछ मैं अपनी बॉडी से कुछ भी साउंड जनरेट नहीं कर सकता हूँ। कुछ यहाँ पे एक्सेप्शंस हो सकते हैं, फॉर एग्जांपल अगर मैंने क्लैप करा है सो वो एक साउंड है, वो मैं जनरेट कर पा रहा हूँ। बट अगर आप ओवरऑल देखो तो ऐसी मेरे पास कुछ भी चीज नहीं है कि मैं साउंड को जनरेट कर पाऊँ। बट मुझे बनाना है म्यूजिक सो मेरे को किस चीज की रिक्वायरमेंट होगी, सो आज के टाइम में जो सबसे ज्यादा आपको रिक्वायरमेंट होगी वो है सैंपल्स की, मतलब साउंड्स की। अगर आज से 5-6 साल पहले का आप कोई कोर्स देख रहे हो सो वहां पे सैंपल्स का इतना ज्यादा यूज आपको नहीं बताएंगे, बट इन टुडेज वर्ल्ड दिस इज 2022, साउंड सैंपल्स के बगैर आपकी लाइफ अधूरी है, एक म्यूजिक प्रोड्यूसर की लाइफ बिल्कुल अधूरी है। अगर आप देखो सो साउंड सैंपल्स, सैंपल पैक्स, आपने सैंपल पैक्स सुने होंगे, वाइडली यूज होते हैं। इनफैक्ट बहुत सारे सैंपल पैक्स में से जो सैंपल्स हैं वो यूज हुए हैं हमारी बॉलीवुड मूवीज में भी, बॉलीवुड म्यूजिक में भी। मैं कुछ एग्जांपल्स इन फ्यूचर आपको बताऊंगा, इस कोर्स में आपको बताऊंगा। तो इस कोर्स में जो हम सैंपल्स यूज करने वाले हैं वो है साउंड्स ऑफ कश्मीर के सैंपल पैक्स है, जो कि वाइडली यूज होते हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड एंड बहुत सारी म्यूजिक इंडस्ट्री में। इनफैक्ट बॉलीवुड म्यूजिक इंडस्ट्री में भी इसका यूज हुआ है, बॉलीवुड म्यूजिक में भी इसका यूज हुआ है। सो आज के टाइम में ये जो साउंड सैंपल्स हैं, सैंपल पैक्स हैं, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है एक म्यूजिक प्रोड्यूसर के लिए। अभी मैं आपको सैंपल पैक नहीं दिखा रहा हूं, आगे जब चलेंगे तो मैं आपको समझाऊंगा। नाउ हमें एक चीज तो समझ में आ गई है कि अगर हमें म्यूजिक को क्रिएट करना है तो हमें सैंपल पैक्स तो चाहिए ही होंगे। बहुत सारे सैंपल पैक्स फ्री भी आते हैं आपके DAW में, चाहे वो एबल्टन हो, क्यूबेस हो, FL स्टूडियो हो, लॉजिक हो, किसी के साथ भी थोड़े बहुत सैंपल्स जरूर आते हैं उसकी लाइब्रेरी में। लेकिन यहाँ पे जो मैं यूज करने वाला हूँ साउंड्स ऑफ कश्मीर के पैक्स है, वो वाइडली यूज होते हैं जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ। इसके अलावा भी कुछ चीजें हैं जिससे हम साउंड को जनरेट कर सकते हैं। अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में बोलूं तो कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर्स भी हैं जिसकी हेल्प से आप साउंड को जनरेट कर सकते हो। आई एम श्योर आपने VST के बारे में जरूर सुना होगा, VST प्लगइन्स के बारे में जरूर सुना होगा।
तो एग्जैक्टली ये VST टर्म है क्या? VST की फुल फॉर्म है वर्चुअल स्टूडियो टेक्नोलॉजी। ये रिलीज हुई थी 1996 में। कुछ साल के बाद 1999 में इसका VST 2 अपग्रेडेड वर्जन आया, जिसमें काफी सारी इम्प्रूवमेंट्स थी, लेकिन जो सबसे मेन इम्प्रूवमेंट थी वो थी यहाँ पे MIDI डेटा रिसीव कर सकती थी VST 2 प्लगइन्स। एंड कुछ सालों के बाद 2006 में इसका एक और इम्प्रूव्ड वर्जन आया VST 2.4। एंड इसका जो मेन इम्प्रूवमेंट था वो बेसिकली ये था, इस टाइप की प्लगइन्स में VST 2.4 प्लगइन्स में हम ऑडियो को प्रोसेस कर सकते थे 64-bit प्रिसिशन से। एंड दो साल के बाद 2008 में VST 3 रिलीज हुई विद मेजर इम्प्रूवमेंट्स। अब ये चीजें मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, बिकॉज बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। VST 2 प्लगइन्स को अगर आप यूज कर रहे हो, आज की डेट में वैसे जो आप प्लगइन्स यूज कर रहे होगे वो VST 2 या फिर VST 3 ही होंगी। VST 2 एंड VST 3 में जो मेजर डिफरेंस है वो है इसके फॉर्मेट का। अब एग्जैक्टली क्या डिफरेंस होता है फॉर्मेट में? सो VST 2 प्लगइन्स का जो फॉर्मेट होता है वो है .dll फाइल्स। जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पे काफी सारी प्लगइन्स इंस्टॉल्ड हैं एंड सबका जो फॉर्मेट है वो है .dll। बट अगर हम बात करें VST 3 प्लगइन्स की, तो यहाँ पे आप देख सकते हो VST 3 का जो फॉर्मेट है वो है .vst 3। ये तो हो गया फॉर्मेट का डिफरेंस, जिसके बेसिस पे आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कौन सी VST 2 प्लगइन है एंड कौन सी VST 3 प्लगइन है। लेकिन अगर बात करें वर्किंग की, तो बहुत ही मेजर डिफरेंस है दोनों की वर्किंग में। अगर बात करते हैं हम VST 3 की, तो VST 3 प्लगइन तभी प्रोसेस करेगी जब उस प्लगइन में से ऑडियो सिग्नल पास होगा। एंड अगर बात करें VST 2 प्लगइन की, देन यहाँ पे पूरे टाइम प्रोसेसिंग होगी। सिंपल वर्ड्स में अगर मैं आपको बताऊं, अगर आप अपने DAW में 10 प्लगइन्स ऐड करते हो VST 2 प्लगइन्स, देन वहां पे वो पूरे टाइम प्रोसेसिंग लेती रहेगी, आपका जो CPU है उसको कंज्यूम करती रहेगी। लेकिन अगर बात करें VST 3 प्लगइन की, तो VST 3 प्लगइन अगर आप अपने DAW में ऐड करते हो, फॉर एग्जांपल आपने 10 VST प्लगइन्स को ऐड कर लिया है, यहां पे कोई भी प्रोसेसिंग नहीं होगी जब तक उसमें से ऑडियो पास नहीं होगा। तो VST 3 प्लगइन्स काफी एफिशिएंट हैं प्रोसेसिंग के मामले में। इसके अलावा VST 3 प्लगइन सपोर्ट करती हैं मल्टी चैनल प्रोसेसिंग को एंड मल्टी चैनल MIDI इनपुट्स को। वेयर एज बात करें VST 2 प्लगइन की, देन यहाँ पे हमें ये दोनों ही चीजें नहीं मिलती हैं। नाउ ये जो VST 2 एंड VST 3 प्लगइन्स है ना, इसको आप सॉफ्टवेयर भी बोल सकते हो। अब यहाँ पे क्या चीज है, इनसे हम कैसे साउंड को जनरेट करेंगे, यही मुद्दा था ना, यही पॉइंट था ना। तो देखो VST प्लगइन्स भी जो होती हैं, मैं VST प्लगइन्स बोल रहा हूँ, सो उसमें हर चीज कंसिडर आप कर सकते हो, VST 2 एंड VST 3 दोनों। तो ये जो प्लगइन्स हैं, यहाँ पे दो टाइप की प्लगइन्स हमारे पास आती हैं। फर्स्ट जो आती है इंस्ट्रूमेंट प्लगइन, जिसके थ्रू हम साउंड को जनरेट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल मेरे को गिटार प्ले करना नहीं आता है, लेकिन मैंने कोई गिटार की प्लगइन यहाँ पे ऐड कर ली जिसके थ्रू मैं गिटार प्ले कर पा रहा हूँ। एज सच मुझे प्ले नहीं करना है, मुझे जस्ट ड्रॉ करना है एंड वो गिटार की साउंड निकाल के मेरे को देगा। इन द सेम वे बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट की प्लगइन्स अवेलेबल हैं आज के टाइम में, वेदर इट इज गिटार, पियानो, स्ट्रिंग्स के लिए वायलिन या फिर किसी भी टाइप के इंस्ट्रूमेंट्स हो, उसकी प्लगइन जरूर अवेलेबल है। एंड अगर बात करें पियानो की, तो बहुत सारी प्लगइन्स अवेलेबल है फॉर वन पियानो साउंड। तो ये बेसिकली VST इंस्ट्रूमेंट प्लगइन्स हैं जिसके थ्रू हम साउंड को जनरेट कर सकते हैं। हमें पियानो की साउंड चाहिए या फिर गिटार की साउंड चाहिए, हमें फ्लूट की साउंड चाहिए, हमें सैक्सोफोन की साउंड चाहिए, जिसकी भी हमें साउंड चाहिए हम वो प्लगइन के थ्रू अचीव कर सकते हैं। वो साउंड को हम अपने प्रोजेक्ट में यूज कर सकते हैं या फिर उससे म्यूजिक को क्रिएट कर सकते हैं। अब बात करते हैं सेकंड टाइप की प्लगइन के बारे में, विच इज इफेक्ट VST प्लगइन्स। अब बेसिकली ये जो इफेक्ट VST प्लगइन्स होती है ना, ये क्या करती हैं, ये आपकी जो साउंड है उसको थोड़ा सा मॉडिफाई करती हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने कोई पियानो की प्लगइन ली है, वहां से आपके पास साउंड आ गई है पियानो की, अब आप चाहते हो वो जो पियानो की साउंड है उसमें थोड़ा सा रिवर्ब ऐड हो जाए, थोड़ा सा एको ऐड हो जाए, सो आप इफेक्ट VST प्लगइन से ऐड कर सकते हो। अगर आप चाहते हो वो जो पियानो की साउंड है थोड़ी सी भारी हो रही है, तो आप उसको थोड़ा सा लो कर सकते हो, लो से बोले तो थोड़ी सी पतली आवाज कर सकते हो, उसका कैरेक्टर चेंज कर सकते हो। EQ, कंप्रेशन, रिवर्ब, डिले, ये सारी जो है ये इफेक्ट प्लगइन्स में कंसिडर की जाती हैं। मैं आगे चल के इन पे डेडिकेटेड लेक्चर्स भी आएंगे, बट यहाँ पे मैं आपको एक ब्रीफ बता रहा हूँ। ऑलराइट, सो काफी ज्यादा यहाँ पे हमने थ्योरी को डिस्कस कर लिया है, एक बारी चलते हैं हम FL स्टूडियो पे, एक बारी जल्दी से इसका ओवरव्यू आपको मैं दे देता हूँ।
सो दिस इज द FL स्टूडियो। हो सकता है आपका FL स्टूडियो कुछ इस टाइप का ना दिखे, मैं कस्टमाइजेशन के बारे में अलग से बताऊंगा आपको। मेनली जो यहाँ पे मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, मैंने आपको बताया था प्लेलिस्ट, जहाँ पे हम साउंड्स को अरेंज करते हैं जिसके बाद हमारा एक सॉन्ग बनता है। तो दिस इज द सेक्शन, यहाँ से मैं इसको बंद कर देता हूँ। दिस इज द सेक्शन, आप देख सकते हो यहाँ पे आपको ट्रैक्स मिलते हैं। अगर मैं यहाँ पे नीचे करता हूँ सो आप यहाँ पे नंबर देख सकते हो, टोटल 500 टाइप के हम यहाँ पे ट्रैक्स ऐड कर सकते हैं। ट्रैक पे बेसिकली क्या होगा, साउंड्स को हम ऐड करेंगे, तो यहाँ पे हमारा बनेगा ट्रैक। या फिर अगर मैं और भी सिंपल वे में बोलूं तो यहाँ पे हम करेंगे साउंड्स को अरेंज। देन यहाँ पे सेकंड जो चीज आती है वो है पियानो रोल। सो दिस इज द पियानो रोल, यहाँ पे हम, मैंने VST प्लगइन्स आपको बताई थी, VST प्लगइन को ऐड करेंगे, हमें पियानो की साउंड चाहिए। अब एग्जैक्टली कौन से नोट्स होने चाहिए, एग्जैक्टली हमें क्या कॉर्ड बनानी है, तो वो हम इस सेक्शन पे बनाएंगे, इस वाले ये जो पियानो रोल है इस पे बनाएंगे। देन उसके बाद लास्ट अगर मैं बात करूं सो ये है हमारे पास मिक्सर, ये है हमारे पास मिक्सर। यहाँ पे जब सारी चीजें हो जाएंगी, सारी चीजों को हम राउट करेंगे एंड यहाँ पे हम करेंगे अपने साउंड्स को, जो हमने साउंड्स अरेंजमेंट में यूज करी है उसको करेंगे मिक्स, जिससे कि वो एक अच्छा साउंड करे। ऑलराइट, सो आज के लेक्चर के लिए इतना ही रखते हैं, हमने FL स्टूडियो की एक झलक देख ली है। नेक्स्ट हम लेक्चर में बात करेंगे कि एग्जैक्टली FL स्टूडियो को कैसे यूज करना है, मेनली हम बात करने वाले हैं साउंड्स के बारे में। सो आई होप इस लेक्चर से आपको जरूर कुछ ना कुछ नॉलेज मिली होगी। लेक्चर अच्छा लगा है सो वीडियो को कर देना लाइक, चैनल को कर देना सब्सक्राइब एंड मैं मिलता हूं आपसे बहुत ही जल्दी नेक्स्ट लेक्चर में।